वाली नहीं है। गौशाला का मतलब है सिर्फ व्यवस्था, बारे रोड मत भटके, उनकी सिर्फ व्यवस्था है गौशाला। साहब गायों तो घर में ही ना बने, पूछो बुढ़िया लोग ने, पांच पांच भाई भेड़ा रहता, पांच पांच भाई, मेरी बात का थोड़ा ध्यान करना, मेरा काम भजन गाने का नहीं है, ना कोई मेरा कॉमर्शियल वर्क है। पांच पांच भाई बेड़ा रहता, आज 30 साल पहले आपने घर में भी आ, काका बाबा बड़ा पिताजी, क्यों एक भी भाई मन में कौन सोचो कि मैं न्यारो हूं, क्यों अपने घर में गौ माता आई, और जिस दिन वह भैं आई ना भैंस, उन दिनों घर का तूर तड़ेगा, सासू करने बहु करने नणंद करने भोजाई करने देराणी करने जटाणी करने, माता बहना थाने मारा कोई पुरानी राड को नहीं है। हाँ मैं थाने घर को कोई आ को नहीं काट करवा ना आयोड़ो, मैं जगी बीतड़ी बात वही कहूं ला, चाहे घर आपका चाहे घर मेरा, हर घर की कहानी यही है। साहब फिर से आपको एक घर में एक गौ माता रखनी पड़ेगी देसी, बाकी आने वाले 10 सालों के बाद में विचार कर लेना, हम बचे ना बचे हमारे शब्द रहेंगे यूट्यूब पर लाइव चल रहा। 15 सालों के बाद में माता बहना बहुत गुंडो टाइम आई, कटो लियाओ घर पवित्र करने वाते गौमूत्र, समूह पहली तो ओचो गौमूत्र कटो लियाओ, कटो लियाओ गोबर, एक भी अड़ो मंदिर को नहीं जो गौमूत्र बिना पवित्र वे, गंगा जल बलि जरिकन भर कूट दियो मंदिर पवित्र कौन वे, उसमें गौमूत्र की छांट डालनी पड़ेगी आपको, तब मंदिर में भगवान प्रवेश होंगे। 15 सालों के बाद में बेटा बेटी को ब्याह करोला, कटो लियावाला चौरी में छाणा, छाणा ही बोलो ना, कहीं बोलो थांगे एरिया में कहीं बोलो छाणा बोलो, 15 साल के बाद में छाणा कटो लियाओ, गाय रहा गाय रे भाई को नहीं तो छाणा कटो लियाओ, छाणा लियाओ उगड़ी में भेस का, क्या लियाओ पाडा का, अब पाडा का छाणा चौरिया मंडी, मैंने बताओ ब्याह हुदरी बिगड़ी, सोचो आप सोचो 2 मिनट के लिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल टाणी है ये, दी स्टोरी ऑफ रियल। 15 सालों के बाद में बेटा बेटे को ब्याह कराला, कटो लियावाला गोबर का छाणा, ऑनलाइन मंगाओ ऑनलाइन, 2 पैकेट छाने भेज देना ऑनलाइन, वो ऑनलाइन वाला पैकेट लाएगा आपके घर 2 पैकेट छाणा आया, अब इन चेक करो छाणा ही जो पाडागा। सोचने का विषय साहब, मेरी बात बुरी लगी तो ताली बजाना, एक बार बुरी लगी धन्यवाद नहीं बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, कहा मैंने तो सरपंच बनना कौन है, हाँ बुरी लगी साहब, विचार करें आप 15 सालों के बाद में गौमूत्र कहां से ले आओगे, इसलिए गौ माता को आपसे बचाना शुरू कर दे, घरों में रखना शुरू कर दे, ज्यादा कुछ नहीं मांगती आपसे गौ माता, दूध के लिए मत पाड़ो गौ माता को, दूध के लिए मत पाड़ो, भगवान के लिए पाल लो, कि मेरे घर में कृष्ण भगवान खड़े हैं। अब यदि मेरी बात अच्छी लगी तो ताली बजाना, यदि आपके घर में भगवान चाहिए तो घर में गौ माता रखो, बाकी साहब हुआमणी राणा भाई के छाटो और भले कर्मा भाई के छाटो, सोमणिया छाटबो भगवान घरे अबाड़ो, यदि सोमणिया छाटबो घरे अबाड़ो वे ना, बकरे में 20 क्विंटल धान पड़ियो रोजीना, एक छाजलो भरभर भगवान के छोड़ दो रोजीना, भगवान हार पूछ ले हाय हेलो कैसे हो, अगरबत्ती से भगवान आने वाले नहीं है, यदि अगरबत्ती से भगवान आ जाते तो मेरे जोधपुर वासी सेकंड फेज में पूरी फैक्ट्री अगरबत्ती की लाई लगाओ तो सगड़ा देवता बेड़ा हो जाता, सगड़ा देवता जोधपुर में बेड़ा हो सकता, लेकिन भगवान भावना से आते हैं, भगवान देखते हैं किस घर में किसकी भावना, आज मंगलपुरा में जीते भक्त बैठे हो आपकी भावना पवित्र है तब आप रात के 12 बजे यहां बैठे हो साहब, बाकी 500 रुपया दिए कि सर्दी में कौन आवे कांकड़ में, आगे रागरे तेरी जागरण है देखिए कौन ही जागरण है, लेकिन आप भावना से यहां बैठो, मैं आपकी भावना की बहुत बड़ी कदर करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको और आपके माता पिता को कि ऐसे संस्कार देके ऐसे सूरवीर बेटों को जन्म दिया जो रात के 12 बजे इस कांकड़ में बैठे हो, आपके चरणों में प्रणाम। अभी बात आई है मुद्दे की, तो मेरी बात आपको अच्छी लगी ना, एक घर में एक गाय पक्का, एक बार हाथ उठा के बोलेंगे पक्का, एक घर में एक गाय, कल सुबह मत बांधना, धनतेरस के दिन बांध लेना, आगे धनतेरस आ रही है 2-3 तारीख को, उस दिन आप एक घर में एक देसी गौ माता, माता बहनों हाथ खड़ा करके बताएं रखो ये गाय, अरे मन बदे जीरो धन बदे हाथ खड़ा करें रखेंगे पक्का, हाथ नीचे मत करो, कौन कौन घर में गाय रखेंगे देसी, इनके नंबर लिखो या इनका एड्रेस लिखो, हाथ नीचा कर लिया,
मातो बहनों, झांसी की रानी हो आप, लक्ष्मी बाई हो आप, ही तो फूला बाई आप, राणा बाई आप, कर्मा बाई आप, मीरा बाई हो आप, रूपा बाई हो आप, द्रौपदी हो, चार भाइया उठा देते हो। ऐसी सावित्रिया साहब ओम डिंगना की जागरण में आठ आठ तोड़े का तिमड़िया खोल के दे देती है, आठ आठ तोड़े का तिमड़िया, आपने सुना होगा, देखा होगा, आठ आठ तोड़े का। एक भाई जी ने तो माथे रो बोरियो खोल दे दी, ओ तीन तोड़ा को लट्टू। एक भाई जी मंगलसूत्र दे दियो, मंगलसूत्र जानो कहीं में जानोगे काम कौन पड़ियो? हाँ, पड़ोसी को पूछ लो कि वो टीज मंगलसूत्र। हाँ, मंगलसूत्र जो माता बहनों के लिए सबसे अमर सुहा की निशानी होता है मंगलसूत्र। मेरे जीवन में तीन जागरणों में तीन माताओं ने अपने गले का मंगलसूत्र खोल के गौ माता को चरणों में समर्पित कर दिया। बोले गौ माता रही तो मेरा अमर सुहाग भी रहेगा, ऐसा प्रण लिया, ऐसा निश्चय लिया माता बहनों ने। साहब ये होता है संकल्प, बोलो गौ माता की। इसलिए भजन गाना तालियां बजवाना मेरा काम नहीं है, मैं जिस उद्देश्य को लेकर 15 साल पहले घर से निकला हूं वो उद्देश्य मेरा पूरा होना चाहिए। क्योंकि मैं जब 1 साल का था तब माताजी दुनिया छोड़ के चले गए थे, उस दिन से ओम डिंगना जब समझ में आया कि माँ क्या होती है, उस दिन से मेरे मन में एक ही है कि जब तक जिंदा रहूं मेरी गौ माता के लिए बोलूं, गौ माता को बचाने के लिए बोलूं, उसके लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे आगे लाइन में मैं मिलूंगा। इसलिए साहब बोलते हैं, बाकी किसको कहां जरूरत है, चार भजन आया गया रवाना साहब, ओम जय जगदीश रे, पैसा गलिया जीवनी जे में जावा घरे। लेकिन नहीं, जिस दिन से घर छोड़ा है उस दिन से एक ही मन में गुरुदेव असीम कृपा कमला जी महाराज, आज बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरुदेव भी मेरे पास में, मेरे गुरुदेव मेरे पीठ के पीछे बैठे। अब कहां एक ऑर्डर, क्योंकि सिर पर गुरुदेव को हाथ पचकाई बात को गाटो, ऐसी कृपा होनी चाहिए साहब। और जहां गुरुदेव की कृपा हो जाती है वहां समझ लो तीन त्रिलोकी नाथ विष्णु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो जाती है। बोलो गौ माता की। अबे तो समझ में आओ मेरी भाषा। धनतेरस के दिन एक घर में एक गाय पक्का, मैं दिवाली रात चेक करूंगा। हा रमेश हमारा बोलो, रमेश हमारा। चलो आप, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मंगलपुरा में लगभग 50 मेरी माता बहनों ने प्रण ले लिया, 50 कि 50 गौ माता अब गौशाला से घरों में जाएगी। इसका मतलब 50 घरों में भगवान कृष्ण पधारेंगे दिवाली के दिन, ये बहुत बड़ी खुशी होगी आपके घर में। आप देखना साहब, यदि आपको 5 दिन में फायदा नहीं होवे तो 50 गाया आपकी गाड़ी में गाल मेरे गांव छोड़ सको मेरे घर। कभी थे झूठ बोल गया, हमारे घर में कोई फायदा नहीं हो गाय लाना, उसका पूरा नुकसान मैं भुगतूंगा और आपकी 50 गायों की सेवा मैं जिंदगी भर करूंगा, ये वादा करता हूं मैं आपसे। अब तो रखेंगे गाय पक्का। अब हाथ खड़ा करें माता बहना, क्या बात, अबे तो ध्यान है वो ले जाए पाची। हाँ, अबे तो हाथ डबल हो गया, ध्यान है पोटा नहीं करी तो ओम जी ले जाए आप लोग कह जावे। 3 दिन तो राखड़ी, 4 दिन तो वैसे ही आ रही है, मैं कौन हूं ला। अबे हाथ खड़ा करो, देखा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अबे मैंने ध्यान है पाची, जबान पलटना ला कौन। चलो भजन गाते हैं, उसके बाद बहुत सारी बात है, आकृति जी भजन सुनाएंगे और हम भी भजन सुनाएंगे, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हम आए हैं वो उद्देश्य अपना गौ दान है। एक शाम गौ माता के नाम का जागरण है, या लाखों करोड़ों हमें दान देने, आज इतिहास बनाना है, आज इतिहास बनाना मंगलपुरा में। आज मंगलपुरा के गीत दुनिया गानी चाहिए, या हिरणी से भी भक्त है, 30 तारीख को इनके वहां भी जागरण है, इनको भी लगना चाहिए कि हकीकत में मंगलपुरा का रिकॉर्ड हिरणी तोड़ेंगे। हाँ, तो आपको बढ़ चढ़ के दान देना। बोलो गौ माता की, मेरे साथ में बोलेंगे, बोले गौ माता।